विटामिन है ना। अरे कितना बड़ा चूहा खाया है। डॉक्टर साहब बुलाओ, डॉक्टर साहब बुलाओ जाओ। ये देखिए आधा, अरे आधा खा लिया था। ये देखिए आप सब पहचान लिए कौन सा सांप है ये। इसे कहते हैं रेड स्नेक, धामिन कहते हैं, घोड़ा पछाड़ भी कहते हैं। बहुत तेज दौड़ता है, मतलब दौड़ने में सबसे तेज सांप है यहाँ का। तो ये सांप जो है ये अभी तो थोड़ा सा देखिए काटने के लिए उछलने के, हमारे आँख पे भी एक बार का काटा है तब से हम चश्मा उश्मा लगा लेते हैं कि भाई कोई भरोसा नहीं है। तो ये है रेड स्नेक, कोई जहरीला नहीं है। देखिए चूहा, चूहा खाया था आपके यहाँ। कहाँ से? यहाँ था चूहा को, यही बाइक से खा रहे। चूहा लेके भाग रहा था ना। हाँ तो ये यहाँ कॉलोनी में सबसे ज्यादा यही सांप है धामिन। और इस ये तो अभी आधा है, इससे मोटे मोटे और काफी बड़े बड़े हैं। नहीं नहीं पकड़ने वाले कोई नहीं। ठीक ठीक। अरे डरिए डरिए जब आओ जरा। मुंह पकड़ लीजिए। ये दिखा कैसे आपने? मुंह पकड़ी काट लिया। अच्छा, ये किस जगह था? ये इधर ही काट लिया का? काट लिया ना ना, तो दिक्कत नहीं है। तो देखिए रेड स्नेक है, इसके अंदर कोई भी जहर नहीं होता है। और हमें तो ये है कि हर स्पीशीज के बारे में थोड़ी नॉलेज रखना चाहिए। मैं इसीलिए भैया फोटो खींच रही ताकि कहीं दिखे तो पता रहे। हम सब जानते हैं कि हमारी स्पीशीज जो इंडिया के बहुत कम हो रही है, धीरे धीरे उनकी प्रजाति कम हो रही है। देखिए टाइगर का भी कितना अच्छा संरक्षण चल रहा है कि टाइगर थोड़ा बढ़ रहे हैं, मगर इनके बारे में कोई नहीं सोचता है कि ये भी टाइगर से कोई कम नहीं है। हाँ इसको हम ले जाके कौवा नाला उधर दूधर पहाड़ी की तरफ छोड़ते हैं। आप ही हैं ना हॉस्पिटल में? हाँ हाँ अभी तो देखिए यहाँ लगाया है, याद है आपकी, मेरे आँख के पास यही काटा था, यही वाला था वहाँ पे भी। हाँ रैटल स्नेक था, मगर ये अलग है, वो अलग था, मतलब सेम स्पीसीज वही थी। रैटल है ना ये? नहीं रैटल तो यहाँ पाए नहीं, तो वो ऑस्ट्रेलिया पे वो झुंझुना बजाता है। कितना तेज गांठ मार रहा है। अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता है, इसीलिए जो एटमॉस्फेयर में जो बदलाव हो रहा है इसी के कारण ये जो है थोड़ा इनके पास भी अनकंट्रोल इनका टेम्परेचर जो हो गया, इसीलिए काफी समय से वहाँ वहाँ निकलने। तो अभी ये लोग छुपे रहते हैं बारिश में, वैसे ठंडे में रहते हैं ना। ना ठंडी प्लेस में तो जैसे आर्टिका है वहाँ पे बहुत, नहीं नहीं यहाँ जैसा हमारे मौसम में गर्मी में नहीं रहते ना, ठंडी में छुपे रहते हैं। हाँ और ठंड के दिन में जो रोड पे जो वार्म रहता है गर्म रहता है उसको पकड़ने के लिए निकलते हैं रोड रोड पे पानी वगैरह में। यहाँ और देखिए पहले हम लोग अभी यहाँ गए थे 299 में, तो वो वहाँ भाग गया, फिर हमको लगा कि वो यहाँ आ गया क्योंकि उन्हें नहीं घूमना दूंगी इतना डिस्टेंस घूमना कवर कर पाएगा। ये दूसरा है गजब चमक रहा है यार, गजब चमक रहा है। नहीं गजब चमक, अरे हम लोग एक ब्लैक कलर का पकड़े थे पूरा ब्लैक। देखिए रेड स्नेक का कुछ पहचान आपको बता देते हैं, जैसे कोबरा होता है ना, कोबरा को सब पहचाने क्योंकि उसके पास फूड होता है, जैसे वो होल पर जाएगा तो सब पहचानेंगे। तो ये होता है इसका गर्दन, देखिए जो नेक है वो भी पतला है, बाद में यहाँ से जाके हाँ कोबरा का पूरा यहीं यहीं से चालू हो जाता है। और जिसका जो इसका नोस्टल है वो थोड़ा चपटा रहता है कोबरा का, इसका नहीं। और जो इसके आई देखिए, आई का इसका जो पिपिल है उसमें ब्लैक और येलो टाइप में राउंड बना है, और जो कोबरा देखेंगे तो बिल्कुल ब्लैक रहेगा। पहचान सकते हैं ना ये चीज़ आप सही बता रहे हो कि गर्दन से। हाँ इसका पतला होता है, वो देखिए इसका मुंह कितना छोटा है।
छोड़िए छोड़िए वाटी रेट जो होते हैं हम लोग में वो 26 होते हैं और इनके मोर देन 200 है, इसी के कारण इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा होती है। रखते नहीं ये सब बन ही नहीं सकता, इसको पाला भी नहीं जा सकता क्योंकि इनका कुछ डिमांड जो है ही नहीं। जैसे क्रोकोडाइल हो गए, टर्टल हो गए, इनके पास अपने ऑनर को पहचानने का कोई वो नहीं है। घर में चूहा खा रहा था बैठ के आराम से, चूहा खा रहा था, चूहा खा रहा था उधर बैठा हुआ साइड में, उधर जो इसने की आई लीड नहीं होती, इनकी पलके नहीं होती और जो ईयर जो है इनके पास ईयर भी नहीं होता क्योंकि ये वाइब्रेशन हमारा सब। राहुल इसके यहाँ पे क्या हो रहा है? ये यहाँ पे जो है